Hello, welcome to Great Academy Plus. So today in power system we are going to continue our discussion on performance of transmission line. In the last few lectures we discussed about the types of transmission line, how we define, uh, how we decide the length of the, uh, how we decide the uh, different different types of transmission line, whether it is a short transmission line, a medium transmission line or long transmission line. Uh, for this we discuss about the different parameters on the basis of which we can classify the transmission line into the different categories. Now in this particular lecture we

Then calculate the current voltage and power factor at the sending end when the power factor of the load is unity, then 0.8 lagging, and then what? 0.8 leading. सो दिस इज द क्वेश्चन और उसमें उसने अपन को कुछ पैरामीटर्स दे रखे रिसीविंग एंड साइड के और उनको यूटिलाइज करके अपन को पता करना है क्या सेंडिंग एंड साइड के पैरामीटर्स पता करना है बात समझ में आई कि ये दिस इज नथिंग बट वट दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन अब कैसा है अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं देखिए क्वेश्चन कैसा भी रहे सबसे पहले क्या करो आप जो गिवन डेटा ना उसको लिख लो ताकि आपको वहां से पता चलेगा कि मतलब दिया क्या है उसने अपन को डेटा में और पूछा क्या है ठीक है तो उन दोनों के बीच में अपन को क्या रिलेशन हो पता चल जाएगा तो देखिए भाई सबसे पहले जो उसने दे रखा है अपन के पास ट्रांसमिशन लाइन

Is equals to VR is equals to 2500 volt is equals to what 2500 volt transmission having a transmission line resistance of RL is given as 1.4 ohm and XL jo ki transmission line ka reactance hai, is given as 0.8 ohm then calculate the current voltage and power factor at the sending end when the power factor of the load is what और उसने अपन को डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर दे रखे हैं ठीक है सबसे पहले देखिए मैं क्या करूंगा करूँगा से कुछ जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पहले मैं डिस्कस करता हूँ आप लिखेगा चाहे तो केस वन की जिसके लिए मैं बोल रहा हूं कि पावर फैक्टर सो सपोज दिस इज वाट केस वन और केस वन के लिए मैं कंसिडर कर रहा हूँ केस वन इज टू यूनिटी पावर फैक्टर सो यू पी एफ कॉस फाइव इज इक्व टू वॉट वन

करेक्ट आई आर का जो वैल्यू बन रहा है आपके पास इज गई भाई अब बात करते भाई जो उसने जो बोला उसके अकॉर्डिंग एटी एम्पियर आ रहा है करेक्ट ठीक है तो अभी क्या करते हैं सर्किट पता कर लेते तो हैं मैंने बोला कि सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन की सॉरी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की तरह, तरह दिखाई दे रहा है तो मेरे पास है और यहाँ पे क्या आपके पास बेसिकली अगर यहाँ पे दिखाई दे तो ये लोड है आपके पास ये क्या बेसिकली आपके पास यहाँ पे लोड कनेक्टेड है 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 ठीक भाई ये क्या बेसिकली आपके पास दिस इज नथिंग बट ये लोड है आपके पास ठीक है ये लोड है ये लोड के अक्रॉस के जो वोल्टेज है दिस इज नथिंग बट वॉट वी आर ये जो भी कोई इंपोर्टेंस है ये ट्रांसमिशन लाइन इंपोर्टेंस है जेडल जिसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज नथिंग बट वॉट आर एल प्लस वॉट जे टाइम्स ऑफ एक्सएल इस तरीके से आ रहा है आपके पास ठीक है ठीके? और यहाँ पे जो करंट फ्लोरी आपके पास करंट कैसे आपके पास दिस इज नथिंग बट वॉट ये जो करंट है बेसिकली आपके पास ये कौन सी करंट होगी दिस इज सोर्स साइड की करंट होगी अब आपके पास जो सर्किट नजर आ रहा है कैसा सिंगल सर्किट है तो जो सोर्स साइड की करंट होगी वही आपके पास क्या होगी रिसिविंग एंड साइड की मतलब लोड साइड की करंट होगी सो आई एस इक्वल्स टू वॉट आई आर इस तरीके से और यहाँ पे जो भी कुछ होगा आपके पास दिस इज वॉट दिस इज सेंडिंग एंड साइड वोल्टेज उसको मैं वी एस बोल रहा हूं यहाँ पे अगर आप केवल अप्लाई करोगे यहाँ पे अगर आप केवल अप्लाई करोगे तो दिस विल बी वॉट दिस विल बी वी एस इज इक्वल्स टू प्लस आई आर या आई एस जो भी आपको कहना होगा मल्टीप्लाई वॉट जेड एस मल्टीप्लाई बॉट जेड एस इस तरीके से ठीक है तो वी आर का वैल्यू अपन को रखा है कितना वी वैल्यू बेसिकली दिस इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड

टू सिक्स वन टू प्लस जे टाइम्स ऑफ ये आएगा आपके पास कितना है? This will be actually ये जो है ना ये इस तरीके से है अदरवाइज मुझे यहाँ पे एक बार लिखना पड़ता है तो पॉसिबल नहीं वहां पर लिखना क्योंकि जगह नहीं है तो ये बन जाएगा वन ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ट्वेंटी आपके पास सिक्स जीरो ठीक है ये आ रहा है आपके पास क्या वी एस सेंडिंग एंड की वोल्टेज आ रही है ये क्या आपके पास सेंडिंग एंड की वोल्टेज आ रही है ठीक है अब देखते हैं कि इसका मैग्नेट्यूड और फेज कितना आएगा दिस विल बी तो इसका जो मैग्नेट्यूड और एंगल आ रहा है देखिए इसके मैग्नेट्यूड बन रही है आपके पास वी एस की दिस इज टू सिक्स वन टू टू सिक्स वन टू पॉइंट सेवन एट एट एन एंगल ऑफ उसका जो एंगल बन रहा है 1.4038 दिस इज नथिंग बट व्हाट वी एस का मैग्नेट्यूट आ रहा है और उसका एंगल आ रहा है ठीक है भैया इस तरीके से ठीक है उसने बोला क्या था अपन को अगर आप थोड़ा अच्छे से देखोगे तो उसने जो बोला है उसने क्या बोला है कैलकुलेट द करंट वोल्टेज एंड पावर फैक्टर एट द सेंडिंग एंड देखिए सबसे पहली बात तो आपको यही पता चल जाना चाहिए थी कि करंट तो बेटा सेम ही आएगी क्यों करंट सेम आएगी क्योंकि आपके पास सिंगल सर्किट लाइन आ रही है सिंगल सर्किट में एक ही करंट फ्लो हो सकती है जो सोर्स साइड की करंट होगी वही आपके पास आ, आ, क्या कौन सी करंट होगी रिसिंग एंड साइड की होगी मतलब क्या जो आई का वैल्यू है यहां से अगर आप देखोगे तो जो आई का वैल्यू है वही क्या आपके पास आर आई आर का वैल्यू है सो आई एस इज इक्व टू आई आर इज इक्वल टू वॉट आई एल लोड जो भी आपको कहना आप उस तरीके से उसको कह से? तो तीनों का मतलब तो सेम ही है इसका मतलब करंट पता करना बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है वोल्टेज अपन ने पता कर लिया और पावर फैक्टर भी पता करना पड़ेगा क्या पता करना पड़ेगा पावर फैक्टर पता करना पड़ेगा अब पावर फैक्टर पता करना क्या बहुत बड़ी बात है यार तो आसानी से पता कर लोगे अपन कैसे पता करेंगे देखिए पावर फैक्टर बेसिकली क्या होता है चाहे तुम सोर्स साइड लिखो या रिसविंग एंड साइड लिखो कोई भी साइड लिखो पावर फैक्टर इज नथिंग बट व्हाट इट इज द एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट इन दोनों के बीच का एंगल गा होता है क्या होता है पावर फैक्टर इज व्हाट इट एज एंगल बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट सो अगर मुझे अगर लिखना है कॉस ऑफ वॉट फाइ एस तो फाइव एस विल बी वॉट दिस विल बी नथिंग बट एंगल बिटवीन वट फाइव इज वॉट एंगल बिटवीन वी एस एंड आई एस

बात समझ में आ गया आपको ठीक है अगर आपको इतना समझ में आ गया तो केस के बारे में डिस्कस करते कि जिसमें जो पावर अपन को कैसा दे रखा so है तो so इस केस में क्या होगा जो आपके पास सर्क्यूट होगा हो यहाँ पे होगा आई आर वैल्यू क्या हो जाएगी एटी एमपियर एट एन एंगल माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट्टी सिक्स आ ठीक है तो मैं उसको लिख रहा हूँ

प्लस इन दोनों का मैग्नेट तो सेम ही रहेगा वन ट्वेंटी नाइन बस ये वाला एंगल चेंज होगा ये वाला जो एंगल होगा ना बेसिकली बेसिकलीट एंगल विल गेट चेंज ठीक है तो दिस दिस विल विल बिकम बी 129 और इन दोनों के, के बीच का एंगल कितना डिग्री माइनस सेवन पॉइंट वन वन तो ये आएगा आपके पास ट्वेंटीड प्लस वन ट्वेंटी

Minus J times of what? This is 129 आपके पास वी एस और वी एस को अगर मैं मैग्नेटोड और फेस के टर्म्स में मैं उसको लिखने की बात करूँ दिस भी टू सिक्स टू एट टू सिक्स टू एट At an angle of, sorry, comma, minus तो यह आएगा आपके पास an क्या वी एस आई एस क्या रहेगा आई एस वही रहेगा कि जो आई आर के बराबर होगा बस इसमें आई एस का एंगल चेंज हो जाएगा तो आई एस टू वॉट आई आर

हाँ डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूँ ना मैं माइनस मैं ये पे माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा आपके पास क्या कॉस ऑफ इसका एंगल कितना आ रहा है माइनस जीरो पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर एट माइनस माइनस विल गेट वाट प्लस दिस इज थर्टी सिक्स पॉइंट एट्टी सिक्स तो ये आ जाएगा आपके पास क्या कॉस ऑफ जो भी कुछ आएगा मैं डायरेक्टली उसको लिखता हूँ चाहे तो ठीक है तो ये आएगा आपके पास थर्टी सिक्स पॉइंट एट्टी सिक्स माइनस जीरो पॉइंट थ्री फोर एट और इसका आएगा कॉस ये बनेगा आपके पास जीरो पॉइंट एट जीरो से अपन किसके बारे में बारे में क्या मैं उसने जो केस थ्री के बारे में, है के के बारे में। के किया उसने, किया, उसने में लिखा है पॉइंट एट लैगिंग लीडिंग सॉरी तो केस थ्री दिस इज पॉइंट एट लीडिंग क्या है पॉइंट एट लीडिंग ठीक है अगर पॉइंट एट है तो देखिए उसमें भी क्या होगा ना सब कुछ सेम आएगा यहां तक भी सेम आएगा मैं तो कहता हूं कि डायरेक्टली यहां तक आपके पास सेम आएगा यहां तक सेम आएगा बस यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा ठीक है क्योंकि एंगल कैसे आपके पास फिलहाल पॉजिटिव है तो अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है तो देखिए आपके पास जो वी का आंसर आएगा दिस विल बी टू सिक्स फाइव टू टू एट एक्चुअली टू सिक्स टू एट प्लस जे टाइम्स ऑफ फिफ्टीन पॉइंट नाइन सेवन सेवन एक्सक्यूज में ये इस तरीके से आ रहा है एंगल भी यही आएगा बस की जगह पे हो जाएगा, ठीक है? बसिटिव और एंगल दोनों आएंगे, बस की जगह so, an पे आएगा इस तरीके से आ रहा है सो वी एस ठीक है तो वी एस इस तरीके से आ गया आपके पास ठीक है तो अभी आई एस के बारे में अगर बात करो तो आई एस इक्वल्स टू आई आर विच इज टू व्हाट

ठीक है तो ये बनेगा आपके पास कॉस ऑफ जीरो पॉइंट थ्री फोर एट माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट्टी सिक्स ठीक है वैसे नेगेटिव में भी आएगा तो भी पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है कॉस माइनस कॉस थे तो ये आएगा आपके पास यही आएगा जो आया आए था यहाँ पे ठीक है तो ये बन जाएगा आपके पास जीरो पॉइंट एट जीरो थ्री सेवन

टू डबल फाइव टू वन प्लस इंटू साइन ऑफ और ये आपके पास ये प्लस में है ठीक है तो इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड और फेज एंगल बताऊँ आपको तो यह आएगा आपके पास टू फाइव फाइव टू वन एट एन एंगल ऑफ हंड्रेड एंड सॉरी तो ये आएगा आपके पास टू फाइव फाइव थ्री टू फाइव थ्री डिग्री ये आ रहा है आपके पास क्या वी का एंगल ये क्या आ रहा है आपके पास सॉरी वी का मैग्नीट्यूड भी आ रहा है और एंगल भी आ रहा है वी का मैग्नीट्यूड और ए एंगल आ रहा है ठीक है भाई ये आ रहा है इस तरीके से बात समझ में आ गई अब अपन को क्या पता करना है अब अपन को देखिए अगर मैं सेंडिंग सॉरी करंट की बात करूं तो देखिए सेंडिंग एंड करंट या एंड करंट दोनों करंट सेम ही है तो अगर मैं उसको यही लिखूँ तो देखिए आपके पास क्या आई एस इज टू व्हाट आई आर विच इज टू व्हाट आई लोड and this is equals to what this is equals to 80 at an angle of what 36.86 degree ठीक है current कैसे आपके पास leading nature के इस क्लिप का angle कैसा है को positive आएगा और अगर मैं बात करूँ cos of phi की cos of मतलब power factor की बात करूँ तो ये आएगा आपके पास cos of voltage angle कितना है 2.67 2.657 minus current का angle कितना है 36.86 तो आप लिखो भाई इसको क्या आएगा है this will be what will be this this will be 36.86 minus 2.657 ये ये बन रहा है आपके 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 पास 34 34 और आपके पास 34.201 ऑफ ऑफ और बनेगा एंगल 0.827 0.827 पास का पावर फैक्टर है ठीक है भाई बात करते हैं बात करते हैं क्वेश्चन टू के बारे में क्या बोला क्वेश्चन में उसने टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन कैसे कनेक्टेड है एक नेटवर्क के बाद दूसरा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है आई शोनिंग द फिगर इफ द वैल्यू ऑफ सी पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज एट जीरोल फोर्टी फाइव डिग्री देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जेड टू इन द वैल्यू ऑफ वॉट जेट टू ऐसा उसने बोला है आप लोग नेटवर्क में इन्वर्टेड एल नेटवर्क है अगर आपको इसी नेटवर्क का डायरेक्टली एबीसीडी पैरामीटर लिखना है तो आप लोगों ने इसके पहले लिखा होगा आपको शायद पता भी होगा कि इस नेटवर्क का जो एबीसीडी पैरामीटर लिखा जाता है बेसिकली अगर मैं उसको लिखू तो यह आ जाएगा एक्चुअली क्या ना कि उसमें थोड़ा मतलब मैं उसको जेड वन कंसिडर करता हूँ और इसको जेड टू कंसिडर करता हूं लेकिन मैं इसी के अकॉर्डिंग अगर लिखू इस सर्किट के अकॉर्डिंग तो ये लिखा जाएगा बेसिकली आपके पास वन प्लस जेड टू अपन जेड वन मतलब यहाँ पे आएगा जेड वन बाय जेड टू यहाँ पे लिखता था मैं जेड टू इसको लिखूंगा यहाँ पे जेड वन यहाँ पे लिखा जाता है वन बाय जेड टू ये लिखा जाएगा वन बाय जेड टू और यहाँ पे लिखा जाएगा वन इस तरीके से ठीक है बात समझ में आई अब उसने दिया क्या अपन को उसने बोला है कि जो सी पैरामीटर है बेसिकली अगर मैं उसको इक्वेट करूँ किसके साथ ए बी सी डी पैरामीटर के साथ, साथ आएगा मतलब सपोज अगर मैं इसको इक्वेट किया किसके साथ इन दोनों का जो साथवेलेंट आएगा बेसिकली मतलब इस पूरे इसका जो आएगा आएगा बेसिकली ये आपके पास ए बी सी और डी पैरामीटर ठीक है ठीके? इस तरीके से तो जो ए पैरामीटर आएगा आपके पास अगर मैं यहां से बताऊँ इक्वेट करके तो एज इक्वस टू वाट वन प्लस जेड वन बाई जेड टू सिमिलरली बी इज इक्वल टू वाट जेड वन एंड सी इज इक्वल टू वाट वन अपन जेड टू D के D के बराबर बराबर क्या के मेरी बात आपको इतनी क्लियर है ठीक है अगर आपको इतना क्लियर तो मुझे एक बात बोलेगा उसने बोला उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या बात बन सकती है यहाँ पे यहाँ से एक बात बन सकती है कि जो उसने बोला किसी पैरामीटर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव एट एन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री विच इज इक्व टू वट वन बाय जेड टू विच इज वन जेड टू इट मीन जेड टू इज इक्वल अपॉन जीरो पॉइंट जीरो एट एन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री एंगल ऑफ डिग्री इस तरीके से सो जेट टू इज जाएगा तो कितना थ्री जीरो ऊपर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा ट्वेंटी एट एन एंगल माइनस फोर्टी फाइव डिग्री सो दिस इज गोइंग टूल एंगल माइनस फोर्टी फाइव इज नथिंग बट वट जेट इज नथिंग बट वट जेट इस तरीके से है आपके पास ठीक है इस तरीके से आप कभी कभी वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि फोर्टी दिया है इस तरीके से तो उसका रियल पार्ट क्या आएगा झेटू का इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा कुछ भी पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे एक रिएक्टिव नेटवर्क बनेगा कैपेसिटिव रिएक्टिव नेटवर्क ठीक है इस तरीके से तो ये आपके पास जो बोला था उसने द वैल्यू ऑफ जेटू झेटू आपने तो पता कर दिया बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ठीक है